जी एक्यूज्ड को ओथ नहीं दिलवाया जाता। अब बताओ एक्यूज्ड को ओथ क्यों नहीं दिलवाया जाता? इसका रीजन बड़ा सिंपल है। क्या ऑनलाइन में कोई बैठे कोई आंसर दे सकते हैं कि दैट यू नो एक्यूज्ड को कोई क्यों ओथ नहीं दिलवाया जाता? वो आरोपी है झूठा क्यों माना जाएगा? नहीं नहीं वो भी प्रूफ होगा, उसकी बातें भी एडमिसिबल है, ये अलग बात है। उसको अपनी बात प्रूफ करना पड़ेगा। उसको सबसे पहले तो उसको इनोसेंट माना जाता है। आप कितना भी अपराध करके आओ कोर्ट आपको इनोसेंट मानेगी। प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है कि आप उसकी गिल्टी को प्रूफ करो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्यूज्ड को ओथ नहीं दिलवाया जाता, कंप्लेनेंट को दिलवाया जाएगा, विटनेस को दिलवाया जाएगा, एक्यूज्ड को ओथ नहीं दिलवाया जाएगा। देखो रीजन बड़ा सिंपल है। हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 20 में कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 में तीन फंडामेंटल राइट्स होता है। एक डबल जियोपर्डी, हमें एक ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। एक और फंडामेंटल राइट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, सेल्फ इंक्रिमिनेशंस। कोई हमें ऐसी बातें कहने को मजबूर नहीं कर सकता जो हमको ही क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा दे, क्रिमिनल ऑफेंस में फंसा दे। मतलब हम जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, हमें ऐसी बातें बोलने के लिए मजबूर ना करो जो हमें किसी जुर्म में फंसा दे। हमसे ये बातें मत बुलवाओ, हम नहीं बोलेंगे, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। पता लगाना आपका काम है, सबूत लाना आपका काम है। हम अपने ही खिलाफ सबूत दें ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने ही खिलाफ सबूत दें ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट विच वी नीड टू फाइंड आउट एट नो, दैट इज द मेन थिंग विच वी हैव टू सी दैट नो दैट वाज। अब मेरी बात सोच के देखिए, तो यही रीजन है। अब आप खुद ही देखो कि कोई कसम खा के झूठ बोलता है भला? बोलता भी होगा, कई लोग होता है नहीं बोलेगा। तो उससे आप बोलोगे ओथ लेने, हो सकता है कि वो थोड़ा सुपरस्टिशियस काइंड का पर्सन, तो वो सच बोलने लगेगा, तो बाद में खुद ही बोलेगा कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ। तो कभी भी एक्यूज्ड